लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन बैरवा समाज करौली धौलपुर सीट पर पुनर्विचार की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय प्रगतिशील बैरवा महासभा की ओर से बैरवा समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देने को लेकर के नाराजगी जाहिर की गई। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि नारायण बैरवा के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने टिकट पर पुनर्विचार को लेकर के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से वार्ता की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। हरिनारायण बैरवा का कहना है कि समाज की हमेशा से उपेक्षा होती गई है, जबकि बैरवा समाज परंपरा के रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है। उन्होंने 7 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो बैरवा समाज आगे की रणनीति पर तय करेगा। कांग्रेस नेता राजेंद्र बैरवा ने कहा कि बैरवा समाज का 17 जिलों में प्रभाव है। बैरवा समाज का 17 जिलों में प्रभाव है। अगर पार्टी वहां से बैरवा समाज को टिकट नहीं देती है तो समाज वोट का बहिष्कार करेगा। देखिए, ये आलाकमान का कई स्तरों के ऊपर छानबीन करके ये टिकट का वितरण रहा है। हालांकि उनकी मांग रखना जायज है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी सोच विचार करके टिकट दिया गया, तो मैं इसके बारे में हमारे नेताओं ने जो निर्णय किया वो पार्टी हित में किया होगा। देखिए, खिलाड़ी लाल जी ने कहा ये उनका स्वयं का विजन है। राजस्थान प्रदेश में बैरवा समाज की संख्या 19 जिलों में लगभग 7.5% और 7.5% को एक भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। परंपरागत कांग्रेस का वोट रहा है, आज़ादी से अब तक हमेशा टॉप की सीट रही है। उसके परसिमन के बाद में धौलपुर करौली थी। पिछली बार हमारा सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा था और लास्ट ईयर लक्कीराम बैरवा को दी थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने बैरवा को टिकट नहीं दे करके बैरवा विरोधी कांग्रेस मानी जा रही है पूरे राजस्थान में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में सब जगह विरोध है। यदि कांग्रेस पार्टी ने पुनर्विचार नहीं किया धौलपुर करौली पर तो बैरवा समाज पूरे राजस्थान में निर्णय लेकर के कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होके और कांग्रेस का विरोध करेंगे और समाज जो निर्णय लेगी उस निर्णय। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।